बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके चेहरे के मसाइल को ख़त्म करने में खीरा जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आज मैं आपसे तीन तरह की जो मास्क है वो शेयर कर रही हूँ। इसमें हमें चाहिए एक अदद खीरा। खीरा जो है वो आपने छिलकों समेत ग्राइंड करने हैं। खीरा आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं उनको ख़त्म करता है, बेरौनक और डल स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपकी स्किन सनबर्न से ख़राब हो गई है तो ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसका आपने जूस निकाल लें और इसके बाद आप इसको 15 मिनट्स तक आप अपने फेस पर, गर्दन पर, हाथों पर लगा सकते हैं। 15 मिनट्स तक लगा रहने दें, इसके बाद आप हाथों को, चेहरे को वॉश कर लें। आपको ख़ुद भी पहले एप्लीकेशन में रिज़ल्ट पता चल जाएगा, आपको अपनी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा पुरौनक लगेगी, चेहरे पे एक ग्लो आएगा। ये बहुत सिंपल सा टिप है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसको आप रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है, इसमें हमें चाहिए दलिया। दलिया को मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको छन्नी से छान लिया है ताकि जैसे आटा होता है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, मुझे बिल्कुल इसी तरह पाउडर फॉर्म में चाहिए। यही जो खीरे का जूस है ये आपने ले लेना है और इसमें आपने डालना है हाफ स्पून दलिया। दलिया जो है वो आपकी डेड सेल को रिमूव करता है, बेहतरीन एक्सफोलिएटर है, आपके स्किन की जो कोलेजन प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता है। कोलेजन जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोलेजन की प्रोडक्शन इंक्रीज ना हो रही हो तो हमारी फाइन लाइन और रिंकल्स जो है वो पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये जो फेस पैक है आपकी स्किन को साफ़ करता है, साथ ही एक्नीज के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें आपने हाफ स्पून जो है वो डालना है शहद। शहद जो है वो एक्नी और पिंपल्स को ख़त्म करता है, आपकी स्किन पे ग्लो लाता है, निशान, दाग, धब्बे जो आपके पड़ गए हैं उनको भी ख़त्म करता है। इस फेस पैक को भी आप रोज़ाना या हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर यूज़ करें। 15 मिनट्स तक आप अपने फेस पर लगा रहने दें, इसके बाद वॉश कर लें। थर्ड जो फेस पैक है उसमें यही हमें खीरे का जूस चाहिए और आपने ले लेना है 2 स्पून्स एलोवेरा जेल। 2 स्पून्स आपने एलोवेरा जेल लेकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। एलोवेरा जेल आपके पोर्स को साफ़ करता है, डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने इसमें फ्यू ड्रॉप्स जो है वो लेमन के डालने हैं। लेमन में विटामिन सी मौजूद है जो हमारी स्किन को लाइट करता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी मौजूद है। ऑयली अगर जिनकी स्किन है ये मास्क उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि जो लेमन है वो एक्स्ट्रा ऑयल को अब्जॉर्ब करता है और ऑयली स्किन की वजह से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनते हैं और साथ ही एक्नीज भी बनते हैं। ये फेस पैक भी आप रोज़ाना या हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर लें। ये तीनों फेस पैक्स जो है वो बनाना बहुत आसान है और इनके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।